Hello students, welcome to our next lecture of secretarial practices. Today we will learn last part from chapter number 9. Today we will learn about depositories in India, that is NSDL and CDSL. आज आपण इंडियामध्ये ज्या दोन डिपॉझिटरीज काम करतात NSDL and CDSL याच्या दोन डिपॉझिटरीज इंडियामध्ये काम करतात त्याबाबत माहिती करून घेणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट विथ डिपॉझिटरीज इन इंडिया. द डिपॉझिटरी ऍक्ट 1996 पेव्ड द वे फॉर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ डिपॉझिटरीज इन इंडिया. इंडिया में दो डिपॉजिटरीज काम करती है, एक होता है NSDL और दूसरा है CDSL. ये दोनों डिपॉजिटरीज कौन से एक्ट के हिसाब से इस्टेब्लिश हुए हैं? द डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996. हा जो एक्ट है डिपॉजिटरी एक्ट 1996, हा एक्ट नुसार हा दोन डिपॉजिटरीज इंडिया मध्ये काम करता. कोणत्या दोन डिपॉजिटरीज? That is NSDL and CDSL. Okay, तो आज हम NSDL और CDSL ये जो दो डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे. First, NSDL, full form is National Security Depository Limited. It is the first and the largest depository in India, established in November 1996. So NSDL is the first and largest depository in India. म्हणजे इंडियामधली सर्वात पहिली आणि सर्वात मोठी डिपॉझिटरी कोणती आहे? NSDL. And it was established in November 1996. और ये जो डिपॉजिटरी है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई है? नवंबर 1996. इस साल में NSDL को इस्टेब्लिश किया है. इट इज प्रमोटेड बाय IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE. और ये जो डिपॉजिटरी है NSDL, उसको प्रमोट किसने किया है, मतलब उसको फंडिंग किसका है? तो उसको फंडिंग है IDBI का, दैट इज इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. किसी बैंक का है कि गवर्नमेंट सी बैंक का है. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, UTI. ये भी जो इंस्टीट्यूशन है या ये जो ट्रस्ट है वो भी कौन रन करता है? गवर्नमेंट रन करता है. एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन दिल्ली. दिल्ली से जो स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ह्या तिघांनी प्रमोट करून कशाची स्थापना केलेली आहे? NSDL. ओके, सो NSDL इज प्रमोटेड बाय IDBI, UTI एंड NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. NSDL has its headquarters in Mumbai. और इसका headquarters, head office कहाँ पे है? मुंबई में है. NSDL is a public limited company registered under the Companies Act. लक्षात ठेवा, NSDL ही public limited company आहे. बघा, याचं नाव काय दिलेलं आहे? National Security Depository Limited. म्हणजे कशा कोणत्याही नावापुढे समजा फक्त लिमिटेड लागलं म्हणजे काय समजायचं? ती काय आहे? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. सो NSDL ए भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसका रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अनुसार हुआ है? कंपनी एक्ट में हुआ है. नेक्स्ट, NSDL प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इन्वेस्टर.
एंड अदर प्लेयर इन द कैपिटल मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक इश्यूअर्स, क्लियरिंग मेंबर एटसेट्रा. एनएचडीएल वेगवेगळ्या ज्या पार्टीज आहेत, म्हणजे इन्व्हेस्टर असतील, स्टॉक एक्सचेंजेस असेल, बँक्स असतील, इश्युअर मीन्स कंपनीज असतील, क्लिअरिंग मेंबर्स असतील, ह्या सर्वांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते. ओके, तो जो एनएचडीएल है वो क्या करता है, इन्वेस्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंक्स रहेंगे उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इश्यूअर्स मतलब सिक्योरिटीज इश्यूइंग कंपनी उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लियरिंग मेंबर्स रहेंगे उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो अलग अलग पार्टीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम एनएचडीएल करता है. इट रेंडर्स, रेंडर्स मीन्स प्रोवाइडेड, इट रेंडर सर्विसेज लाइक अकाउंट मेंटेनेंस, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स थ्रू मार्केट ट्रांसफर एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर, नॉमिनेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग और लॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एटसेट्रा. म्हणजे एनएचडीएल जी आहे विविध प्रकारच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते, विविध प्रकारची कामं करते. मग कोणकोणत्या प्रकारची कामं करते, लाइक अकाउंट मेंटेनन्स, अकाउंट मेंटेन करने का काम करता है, डीमटेरियलाइजेशन मतलब जो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम एनएचडीएल करता है, रीमटेरियलाइजेशन मतलब जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू मार्केट ट्रांसफर, जो ट्रेड होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज उसको सेटल करने का काम एनएचडीएल करता है, नॉमिनेशन का काम रहेगा, ट्रांजिशन ऑफ सिक्योरिटीज रहेगा, बराबर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग और लॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट्स, इन्वेस्टर की जो अकाउंट है उसको फ्रीज करना या लॉक करना उसका भी काम कौन करता है, एनएचडीएल करता है. एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, म्हणजे इन्वेस्टरच्या काही ग्रीवेंसेस असतील, काही तक्रारी असतील, तर त्या तक्रारी सोडवण्याचं काम देखील कोण करतं, एनएचडीएल करतं. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे एनएचडीएल इन्व्हेस्टरला सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतं आणि मार्केटमध्ये ज्या इतर पार्टीज आहेत, स्टॉक एक्सचेंजेस, बँक्स, इश्युअर्स, क्लिअरिंग मेंबर्स, या सर्वांना विविध प्रकारच्या सर्व्हिसेस देण्याचं काम कोण करतं, एनएचडीएल करतं. तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि एनएचडीएल इंडिया की पहली और सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, नवंबर 1996. और आपको एक बात और याद रखनी है कि एनएचडीएल जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एनएचडीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. एनएचडीएल चा हेडक्वार्टर कुठे आहे, मुंबईला, आणि एनएचडीएल का आहे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. नेक्स्ट, सेकंड इज सीडीएसएल, द सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड. सीडीएसएल बिगेन इट्स ऑपरेशन इन फेब्रुवारी 1996. मतलब सीडीएसएल ने अपना जो कामकाज है कब स्टार्ट किया, फेब्रुवरी 1999, और एनएचडीएल कब स्टार्ट हुआ, 1996, और सीडीएसएल फेब्रुवरी 1999. इट वाज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइंटली विद सेवरल बैंक. और इसको प्रमोट किसने किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाकी के बहुत सारे बैंक ने इसको प्रमोट किया है, मतलब फंडिंग किया है. ओके, एनएचडीएल ला कोणी प्रमोट केलं होतं, एनएचडीएल ला आयडीबीआय बँक, यूटीआय दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, या तिघांनी प्रमोट करून एनएचडीएल एस्टॅब्लिश झालं.
आणि सीडीएस ला कोणी प्रमोट केलेला आहे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अँड सेव्हरल अदर बँक्स आणि इतर अनेक बँकांनी मिळून सीडीएस ला प्रमोट केलेला आहे. इट हैज इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई. इसका भी जो हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में है. मतलब एनएचडीएल और सीडीएसएल इन दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है. सीडीएसएल हैज अ वाइड डीपी नेटवर्क एंड ऑफर्स द डीमैट सर्विसेज सिमिलर टू एनएचडीएल अक्रॉस द कंट्री. सीडीएसएल का जो डीपी नेटवर्क है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नेटवर्क, वो बहुत ही वाइड है. मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा नेटवर्क है. और जैसे एनएचडीएल डीमैट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसी तरह से सीडीएसएल भी डीमटेरियलाइजेशन का सर्विसेज प्रोवाइड करता है. बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस हैव प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन सक्सेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया. आणि ह्याच्या दोन्ही इंस्टीट्यूशन आहेत, एनएचडीएल आणि सीडीएसएल, या दोघांनी देखील इंडियामध्ये एक चांगल्या प्रकारे काम केलेलं आहे. ओके, तो आज हम देखते हैं कि सारे जो शेयर्स है वो डीमैट या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में हम देखते हैं. उसका रीजन है सीडीएसएल और एनएचडीएल. तो इन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया है और काम कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट एनएचडीएल एंड सीडीएसएल. अभी इसके ऊपर आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बराबर. तो इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि एनएचडीएल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सीडीएसएल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, सीडीएसएल को कौन प्रमोट करता है, एनएचडीएल को प्रमोट कौन करता है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है. इस तरह से दो तीन क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. थैंक यू.